साल के बाद एक नया इतिहास बनने जा रहा है, फिर एक बार आपकी जिंदगी बदलने जा रही है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, जब जब बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, जब जब ब्रह्मांड में अपनी स्थितियों को बदलते हैं, तब उन्होंने कुछ बड़ा किया है और उन्होंने देश दुनिया का नक्शा ही बदल दिया है। पूरा मानव जीवन इनसे प्रभावित हुआ है। आज हम ऐसे ही ग्रहों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो इस ब्रह्मांड का, तारामंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसे ज्योतिष शास्त्र बृहस्पति के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में जिसे जुपिटर कहा जाता है, अरबी भाषा में मुस्तरी नाम से पहचाना जाता है और फारसी में जिन्हें अहुर मकरंद कहते हैं, वही देवगुरु बृहस्पति पूरे 12 सालों के बाद परिवर्तन करने वाले हैं। अब यह परिवर्तन करेंगे ना, तो उनका प्रभाव भारत के साथ पूरे विश्व पर होगा। 1 अप्रैल से 14 मई 2025 के बीच टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उन्नत अग्रिम देश, जिसकी दुनिया में मिसाल दी जाती थी, वह भी प्रकृति के प्रकोप के आगे असहाय और असमर्थ नजर आएंगे। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ेगा। भारत को शक्तिशाली देश की पहचान मिलेगी। फिर से भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भरता के क्षितिज को छूते हुए टेक्नोलॉजी और विकास को आगे बढ़ाएगा। भ्रष्टाचारी एवं धर्म से विमुख लोग मुख्य धारा में लौटेंगे और अगले 1 साल में भारत के भविष्य को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा। लेकिन गुरु इनमें भी सबसे बड़ा प्रभाव अपनी ही राशि को देने वाले हैं, अपनी ही राशि को प्रभावित करने वाले हैं और वह अगले 1 साल तक, यानी 1 मई से लेकर 14 मई तक आपके जीवन में, करियर में, प्रेम जीवन में, आर्थिक, सामाजिक और भौतिक कई तरह के बदलाव करेंगे। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। और यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, इसे आप नाम राशि से भी सुन सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं तनु राशि के लिए गुरु का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला। दोस्तों, आने वाला धनु राशि का भविष्य आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, प्रेम पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें, तो कई सारे अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके सपनों को साकार करने के लिए परिस्थितियों का निर्माण कर रहा है और यह बहुत कुछ होगा जिनके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। 1 मई से ही गुरु ग्रह आपकी कुंडली के 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे, तो वह आपकी करियर की गाड़ी को पटरी पर चढ़ा देंगे। आप लोगों की कई व्यवसायिक योजनाएं सफल होने लगेगी। आपके लिए प्रबल धन लाभ के योग बनेंगे। मेहनत, मजदूरी एवं परिश्रम के माध्यम से धन कमाने वाले लोगों की एकदम से आमदनी बढ़ जाएगी। आप जिस रास्ते से पैसा कमा रहे हैं, उस रास्ते से तो पैसा प्राप्त होगा, लेकिन आपके आय कमाने के नए नए रास्ते खुलते नजर आएंगे। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह की उत्पत्ति के संबंध में हमारे वायु पुराण में कहा गया है कि वह महर्षि अंगिरा के पुत्र है और उनकी माता का नाम स्मृति है और वह बुद्धि तथा उत्तम वाक् शक्ति के स्वामी है, जिसके कारण आपकी वाणी पर प्रभाव पड़ेगा। आप जिस भी डील के लिए प्रयत्न करेंगे, उस डील को सफल बनाने में बृहस्पति आपकी मदद करेगा। आपकी राशि से 6ठे भाव में बृहस्पति का प्रवेश हुआ है ना, तो इस परिवर्तन से धन का आगमन होता है, कुटुंब में सुख समृद्धि बढ़ जाती है, विवाह अथवा पुत्र का सुख प्राप्त होता है। आपको शत्रु के विरुद्ध कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनसे संधि करके बीच का रास्ता निकलते हैं। आप लोगों की ख्याति बढ़ती है, जो चुनाव, राजनीति, सामाजिक संस्था या समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, उनका नाम होता है, उनको पद मिलता है, उनको स्थान मिलता है। माँ बगला मुखी की कृपा से चुनाव के नतीजे, कोर्ट के नतीजे सकारात्मक होते हैं। उनके साथ साथ गुरु ग्रह की वजह से आपकी रुचि भी परोपकार और दान आदि में होने लगती है। चल अचल संपत्ति में वृद्धि के योग का निर्माण होता है। 1 मई से ही गुरु अगले 1 साल तक आपके कर्म भाव को देखेंगे, जिसे गुरु आपके प्रयासों को सफल बनाएंगे। आप कार्य क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर योगदान देने की न केवल कोशिश करेंगे, लेकिन उसका आपको प्रतिफल भी प्राप्त होगा, जिससे आप नौकरी में अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। आपको पदोन्नति एवं कार्य के सिलसिले में यात्रा के अवसर मिलेंगे। इस बीच में आपको अच्छा सैलरी पैकेज मिल सकता है। नौकरी में बदलाव की संभावना बन रही है। बहुत सारे ऐसे अचानक से लाभ होंगे जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते।
एक मई से अगले एक साल तक धनु राशि के लोग अपने जीवन में खूब प्रगति करेंगे। ये गोचर आपको कई शुभ परिणाम देकर जाएगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु ग्रह गणित बीमा व्यापार विद्या हास्य नृत्य एवं लक्ष्मी का प्रबल कारक ग्रह माना जाता है, यानी वह जिसका कारक है। अब वही ग्रह छठे भाव में बैठकर उनकी पूर्ण नवम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे ना, तो उनसे संबंधित कई सारे लाभ सहज रूप से ही आपकी झोली में दे देते हैं। आपको कोई विदेश में अच्छी नौकरी का ऑफर मिल जाता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप विदेश में स्थित रहे और वहां पर नौकरी के अलावा व्यापार करने का अवसर मिल जाए, या फिर पार्टनरशिप से कोई बड़ा अवसर मिल जाए। उन अवसरों को स्वीकार करते हुए आप जिंदगी को बदल देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं, उसका लाभ होता है। द्वितीय भाव पारिवारिक प्रेम का होता है, अपनों से मिलन का होता है, प्रिय से नजदीक जाने का होता है। कई लोगों को अक्सर भाग्य से ईश्वर से शिकायतें थी, क्यों उन्हें ही अपनों से अलग किया जाता है, क्यों उनके साथ ही धोखा होता है, क्यों उन्हें ही बार बार प्रेम पारिवारिक जीवन में कष्ट आते हैं। ये जो सारे लोग हैं ना, इन सब की इन चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है जब जब भी गुरु छठे भाव में पहुंचते हैं तो उन्होंने साथी के साथ चल रहे विवाद को खत्म किया है। लाख प्रयत्न करने के बावजूद जिनकी शादी तय नहीं होती है उनकी शादी तय होती है। जीवन साथी से नजदीकियां बढ़ती है, पारिवारिक कलह खत्म होते हैं और ये सारी स्थिति गुरु परिवर्तन के कारण संभव है। इस परिवर्तन से धनु राशि के लोग जमीन प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। जिनकी फैक्ट्रियां लगातार नुकसान कर रही थी या फिर किसी न किसी वजह से फैक्ट्री में नुकसान हो जाता था, कभी माल नहीं है, कभी कर्मचारी नहीं है, कभी लाइट नहीं है, कभी मशीन नहीं चल रहा है, यानी कुछ न कुछ जो दिक्कतें चल रही थी ना, उन दिक्कतों से गुरु मुक्ति देगा। जो बड़े लेवल पर बैठे हैं, बिजनेस करते हैं, उन्हें भी आगे आने का रास्ता मिलेगा। दोस्तों, दुनिया कुछ भी कहे लेकिन सच बात तो यह है कि आने वाले पूरे साल में बृहस्पति के परिवर्तन से आपको बंधन रोग और राज्य की ओर से मिलने वाले दुखों से मुक्ति मिलती है। और अगर आप विद्यार्थी होते हैं ना, तो आपको उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का अवसर मिल जाता है। देश में भी अच्छे स्थानों पर आपका चयन होता है और जो विद्यार्थी अभी अभी उत्तीर्ण हुए हैं ना, उन्हें नौकरी भी प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, इन सब के बावजूद भी जिनकी कुंडली में अशुभ ग्रह की दशा चल रही होगी उनको लाभ में कमी हो सकती है, आखिरी समय पर जाकर बात रुक सकती है, उनसे अपने ही दूर हो जाते हैं। इसीलिए शुभ ग्रह की शुभ दृष्टि का लाभ प्राप्त करने के लिए कुंडली का विश्लेषण करें और उचित निर्णय लेकर जीवन को खुशहाल बनाएं। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।